यहाँ से सीढ़िया है जिसको बोलाते हैं, यहाँ पर जाता है रास्ता पूरी को, छतियावट को, विरोजाखंड जातपुर को। यहाँ पर देखिए सांप की केंचुली कैसे गिरा हुआ है, भगवान जी का जो गले का हार है सांप, वो यहाँ रहते हैं, इसका प्रमाण है इसका केंचुली। इसको देख कर प्रमाण मिलता है, मतलब प्रूफ होता है कि यहाँ भगवान जी का वास्ता है, तेतियाव का मंदिर है जो कि क्लेम किया जाता है। और मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पहुंच चुके हैं फिर से पंचू पांडव, जो कि है गणसेपुर गांव टांगी ब्लॉक में, जो कटक से हो जाएगा ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो आज इस जगह पर आए क्योंकि पहले से जगह देखा हुआ है, बहुत बार आया हूँ, कि आज इस जगह में कुछ मतलब कुछ सस्पेंस में आज मैं करूँगा, क्या रिवील करूँगा। तो ये जगह का मान्यता ये है, ये जगह ऐसा क्लेम किया जाता है कि जब पंचू पांडव अज्ञातवास में थे ना, तो इस जगह पर आए थे। यहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है जिसको बनाए थे, जो कि माता कुंती पूजा करती थी। इसके आगे एक शिव मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे, जिसको जिस यहाँ से एक सुरंग है जहाँ पर जिसके जिसके द्वारा माता कुंती जाती है वो शिव मंदिर और वो पूजा करती थी मंदिर को, ठीक है। तो चलते हैं मंदिर को देखते हैं और इस जगह के बारे में आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो ये रहा पंचू पांडव मंदिर, वो रहा जड़ू का पहाड़। ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्लेम किया जाता है, मान्यता ये है कि जब पंचू पांडव अज्ञातवास में थे तो ये जड़ू का पहाड़ में वो लोग किस दिन रुके थे। तो माता कुंती जी के पूजा के लिए पांडव लोगों ने यहाँ पर मंदिर बनाया था विष्णु जी का, जो कि काले मुगुनी पत्थर में है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है वहाँ आगे की मणिनाग गुफा है। तो ऐसे कहा जाता था पांडव का जो अस्त्र शस्त्र थे उसको निगरानी वो मणिधारी नाग नागिन वहीं पर करते थे। तो यहाँ पर आते थे माता कुंती विष्णु भगवान की पूजा के लिए। यहाँ से सुडंगे जाता है तारकेश्वर मंदिर, जो कि शिव मंदिर, तो वहाँ जाते थे वो भगवान शिव जी को पूजा करने के लिए। तो यहाँ से हम वहाँ भी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो एक मंदिर है यहाँ पर मूर्ति है, बाकी 3 मंदिर है जहाँ पर मूर्तियाँ नहीं है और इससे सारे टूट फूट गए हैं। इसका जो भग्न विशेष ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, सबको दिखाते हैं अभी आपको। तो विशेष रेट कीजिए, कोई बार नहीं है। हाँ बुझे बुझे तो यहाँ से कुछ देर पर है भगवान तारकेश्वर शिव जी का मंदिर, तो अभी हम वहाँ चलेंगे। तो मैंने बहुत बार इस पंचू पांडव में आया हूँ, जिसको मैंने बहुत सारे ब्लॉग में डाला हूँ, तो ज़्यादा कुछ जानने के लिए मेरे पहले वाला ब्लॉग को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यह रहा बाबा तारकेश्वर जी का मंदिर। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से रास्ता था पंचू पांडव के, यहाँ से सुरंग था जो अभी मिल नहीं रहा है। तो मंदिर तैत्ययुग का है, ऐसे क्लेम किया जाता है,
तो यहाँ पर बाबा तारकेश्वर जी विराजमान है। यहाँ पर माता कुंती आती थी गुप्त से पूजा करने के लिए, अज्ञातवास में थे ना, तो इसलिए पता ना किसी को ना चले, इसलिए वो गुप्त में आती पूजा करने के लिए। तो ये मंदिर जैसे मतलब वैसे खंडर जैसा बन गया है, लेकिन यहाँ का जो चित्रकला है तो खोदना वो देख रहे हो ना, बिल्कुल पंचुपाणव जैसा ही है। तो ठीक है, अब पूरा मंदिर देखो। तो जैसे यहाँ पर गणेश जी विराजमान है, वहाँ पर कुमार कार्तिक है और माता पार्वती है। खैर मंदिर टूट फूट गए हैं, ये जगह को देखिए कितना सुंदर मंदिर है। इसको कारुकार्य को देखिए, ये जंगल वंगल चढ़ गए, पत्थर को नीचे गिरे, इसको ऐसे संरक्षण कैप्ट नहीं किया जा रहा है जो भी करना चाहिए। तो इस तरह की जगह तो ये है मंदिर का निचला हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ आए थे। तो ये जगह को देखिए कितना जैसे जंगल जैसा चढ़ गया है। यहाँ पर देखिए सांप की केंचुली कैसे गिरा हुआ है। जैसे भगवान जी का मंदिर, लोग तो गवर्नमेंट और लोग प्रशासन तो कोई मतलब संरक्षण कर नहीं रहा, इसलिए सांप की जो भगवान जी का जो वाहन है ना, जो गले का हार है सांप, वो यहाँ रहते हैं। इसका प्रमाण है इसका केंचुली, ये सांप का केंचुली देखिए, नाग देवता का केंचुली देखिए, वो इसको संरक्षण कर रहे हैं। इसको देख कर प्रमाण मिलता है, मतलब प्रूफ होता है कि यहाँ भगवान जी का वास्ता है। तेत्याव का मंदिर है जो कि क्लेम किया जाता है और मान्यता और भी स्ट्रांग होता जा रहा है हमारे लिए। जगह बहुत ही खंडहर जैसा था, लेकिन अभी थोड़ा एक बार डेवलप कर रहे थे। जगन्नाथ जी का मंदिर बना है, यहाँ पर कुछ ऐसे क्लॉप घर जैसा बना है। तो जैसे कि पंचु पांडव आर्कोलॉजी अंडर के डिपार्टमेंट आ गया है, तो वो उसको केप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जगह गाँव के बीच है, तो इसलिए ये जगह आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं आ पा रहा, लेकिन इसको केप्ट संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, मंदिर का देखो आप ठीक से। इस काम को देखिए, जैसे डिट्टो पंचु पांडव में जैसा पत्थर में बनाया है ना, जैसे कारु का भी किया है, तो यहाँ पर वैसे ही डिट्टो वैसा ही है, समान वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही है। तो जैसा ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर भी जैसे हुआ था, ये मंदिर वैसे ही बनाया गया था। तो अभी फिर से चलते हैं पंचु पांडव और दिखाते हैं कि वो यहाँ के यहाँ से यहाँ जो पत्थर आया था जो बनाने के लिए कहाँ से आया था। तो हमने भगवान तारकेश्वर जी का दर्शन आपको करवा दिया, लेकिन ये जो पंचु पांडव मंदिर है और जो तारकेश्वर मंदिर है, जो इसके निर्माण के जो पत्थर आए थे वो कहाँ से आए थे, कौन लाया था, तो इसके इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा भीमा लॉन्गला सियार, जो कि जगह है वहाँ पर शनि मंदिर है, उसके साइड में वो जगह है। तो वहाँ पर चलेंगे और आपको दिखा है कैसे भीम जी अपने लंगल से तो पत्थर लेकर आए थे, यहाँ मंदिर निर्माण किए थे। ठीक है, अभी चलते हैं भीमा लंगल सियार, चलते हैं आपको दिखाते हैं। वो जगह है जिसका नाम है भीम लंगल सियार। तो इसी रास्ते से भीम गए थे, पहाड़ को काट कर वो पंचु पांडव मंदिर और तारकेश्वर जी का मंदिर बनाए थे। तो ठीक है, अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ से भीम ने पत्थर काटा था, पहाड़ को काटा था। चलिए चलते हैं। तो ठीक है, ऊपर जगह है भीम लंगल सियार, जो कि पांडव के द्वितीय पांडव जैसे भीम जी, बृहद्रथ भीम जी वहाँ पर गए थे। चलिए चलते। अगर आप यहाँ जाते हो ना, अच्छे से खा पी कर आइए, पानी वाली साथ लेकर आइए, हम लोग पानी ले रहे हैं, इसे भुगत रहे। ठीक है, बहुत प्यास होने वाला है, तो पहाड़ चढ़ने वाले हैं।
तो देखिए इस जगह को, गोवा से देखिए जगह को, मतलब हमारा आवाज़ इको कर रहा है यहाँ पर। तो यही वो जगह थे क्या है जहाँ पर रुको थे भीम जी ने अपने लंगल से पहाड़ को काट कर बनाया था मंदिर, पंचपांडव मंदिर, तारकेश्वर मंदिर। ये देख कर ही पता चल जाता है, और प्रूफ की जरूरत नहीं। ये कौन है जो पत्थर को काटेगा, मतलब कौन, मतलब भीम जी को पता है कितने बलशाली भुजाएं और उनका लंगल, उसका अलावा कोई पत्थर को काट नहीं सकता। मतलब जितना कैमरा में कैप्चर नहीं होगा उतने उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर जगह लग रहा है। तो मतलब बहुत डर डरावना जगह है। यहाँ पर आते हो ना ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है आपका, ऑक्सीजन लेवल ना कम होता जैसे हाँ प्रो में ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। यहाँ पर बहुत ही ठंड लग रहा है और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो रहा है। और मतलब यहाँ चढ़ते हो ना आँखें थोड़ा चौंधिया जाता है। देखिए तो यह जड़ौता हिल का फेमस नौली गुम्फा, यहाँ को रास्ता देखिए, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है, क्लेम किया जाता है, यहाँ से रास्ता है पुरी को, जाजपुर के बिराजा क्षेत्र को और छतियावड़ को। लेकिन जो भी गुम्फा में अंदर गया लोग वापस लौट कर नहीं आया, वो छोटा सा गुम्फा है। और तो 352 जो गुम्फा है बोला जाता है ना, उसी के अंदर ही रास्ता है। और यहाँ से भजन कीर्तन का मतलब हमेशा आता है, शब्द सुनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ है, इस गुफा को रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ है जिसको बोला जाता है, यहाँ पर जाता है रास्ता पूरी को, छतियावट को, विरोजाकर जाजपुर को। तो ये जगह है जड़ूका का फेमस नौली गुफा, वहीं इसके थोड़ा आगे मणिना गुफा, जो कि हम पहले बहुत बार दिखा चुका हूँ अपने ब्लॉग में, ये है नौली गुफा। तो जैसे ही बोला जाता है ये जो गुफा आप देखे हो ना, इससे सीधा रास्ता है पुरी को, ऐसे मान्यता है। तो अंदर आते कोई गया नहीं है, जो बोलते हैं कि जो अंदर जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता, छोटा सा मुंह है लेकिन रास्ता है। और ऐसा कहा जाता है इसके अंदर आज भी बहुत साधु संत रहते हैं, इसका मतलब उनका भजन कीर्तन करने का आवाज़ सुना जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया। तो अभी इस वीडियो को रैपअप करेंगे, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।